नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में हम आपको लिए चल रहे हैं आज चर्च लैन इलाहाबाद यानी प्रयागराज, फोर चर्च लैन है ना, दादा के मकान का यही नंबर है। तो दादा की जो पुष्प सज्जा है उस कला यात्रा का शुभारंभ कैसे हो? दादा तख्त सजाते थे, फूलों की सज्जा करते थे और उस सज्जा को भविष्य के हाथों में समर्पित करने के लिए क्या किया गया? इंद्रेश पांडे जी लिखते हैं कि मानव देह लीला जब महाराज जी की समाप्त हो गई तो महाराज जी ये कहा करते थे, मैं सदैव यहां रहता हूं, और यहां रहने की उन्होंने छाप भी छोड़ी फूलों पर। दादा बड़े एक तरह से ये मान लीजिएगा कि कभी कभी निशब्द हो जाता है आदमी, वही स्थिति हो गई थी दादा की। दादा कभी तख्त को देखते थे जिस पर बाबा कभी बैठते थे, बाबा उसी पर सोते थे, बाबा उसी पर दर्शन देते थे। दादा का परमहंस उड़ गया था, गुरुचरण और उपासना में लीन होने के लिए दादा ने पुष्प सज्जा शुरू कर दी थी और घंटों झुके झुके पुष्प सज्जा करते रहते थे। दीदी मुखर्जी, दादा मुखर्जी जब ये पुष्प सज्जा करते थे और दीदी जब स्कूल में ड्यूटी के लिए जाती थी तो वो जब उस कक्ष में आती थी महाराज जी के कक्ष में तो देखती थी एक एक फूल वो सजाते थे, एक पतली सी सींक ले लेते थे और इस तरह से वो रखते जाते थे। एक एक सींक से कहीं ऐसा ना हो कि वो हट जाए, ये हट जाए, कल्पना आती थी उनके मन में और निश्चित रूप से वो कल्पना महाराज जी की बिना दया दृष्टि के आ ही नहीं सकती। कहां अर्थशास्त्र का प्रोफेसर और कहां चित्रकला का बेजोड़ नमूना। और उन सबको समर्पण करते हुए, उनको समर्पित करते हुए दीदी का एक समर्पण, पति के लिए पत्नी की निष्ठा, उनका एक त्याग, उनकी एक समर्पित भावना। क्योंकि दादा जो रचना करते थे फूलों की, जो पुष्प सज्जा करते थे फूलों की, अद्भुत होती थी। दीदी ने कहा कि ये आप रोज करते हैं, सुबह की शाम को बिगाड़ती, फिर सुबह की, तो आज से 2 महीना पहले कैसी सज्जा की थी हम कैसे जानेंगे। बस ये जैसे ही उनके मन में आया, दीदी की चित्रकला बहुत अच्छी थी, दीदी ने सोच लिया कि ड्यूटी से आने के बाद घर के काम काज निपटाने हैं और इसके बाद इनके रोज के चित्र बना लेने हैं। वो बैठ जाती थी, घर के काम निपटाए और बैठ गई और रंग भरने लगी, और जब तक वो पूरा हो नहीं जाता था तब तक वो काम चलता रहता था। अनुपम भक्ति थी, तन्मयता का उदाहरण था। फूलों के जितने रंग चटक होते थे दीदी की चित्रकला भी उतनी और ज्यादा उभर के आती थी। दादा की एकाग्रता, गुरु के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति तन्मयता, दुर्लभ कृतियों की जो सुरक्षित रखने की एक विधि अपनाई थी दीदी ने, धन है वो हाथ, धन है वो समर्पण और धन है वो पुरुष, वो रंग जिन्होंने ये अमर कृति कर दी है। दीदी के बनाए हुए चित्र, दादा के सजाए हुए दृश्य आज लगभग 4,000 प्रतियों में उपलब्ध हैं। चित्र चर्च लैन में आज भी रखे हुए हैं, सुरक्षित हैं। गुरु के प्रति ये समर्पण, पति के प्रति ये निष्ठा, पति के प्रति तो ये निष्ठा हुई कि पति ने ये काम किया है और इसको हम अमर बना दें, हम इसको बहुत दिनों तक देखने लायक बना दें। जो आज हमारे पति ने पुष्प सज्जा की है, गुरु को समर्पित किया है, ऐसी दीदी ने, आप ये समझ लीजिए कि हमारी भारतीय संस्कृत का अनुपम उदाहरण है। जो संस्कृत हमारी है, जो हमारा समर्पण है, जो हमारी विरासत है, उसको कमला दीदी ने जिया है। व्यवहारिक युग में पत्नी का समर्पण दिखता है, दीदी का जब भाव जब ये आया होगा तो निश्चित रूप से महाराज जी की कृपा रही होगी और उनकी कला यात्रा के शुभारंभ में उनकी एक
ऐसी भावना रही गुरु की भी और पथ के प्रति समर्पित रही। इंद्रेश पांडे जी कहते हैं कि मानव देह लीला के बाद ये जो पुष्प सज्जा शुरू हुई वो दीदी के द्वारा ये अमर हो गई। आज वहां पर चित्र उपलब्ध हैं जो भक्तों को भी देखने को मिल जाते हैं। जब कभी आप जाएं तो उन चित्रों को भी देखिएगा। मैं आपको स्क्रीन पर दिखवा रहा हूं, मेरे पास जो उपासना उन्होंने एक किताब प्रिंट की थी उसके द्वारा मिले हुए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इन चित्रों को आप सावधान देखिएगा। जय बाबा की। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।